जेडीयू असली या नकली में पहली जीत नीतीश कुमार की हुई है। नीतीश कुमार के चार नेता केसी त्यागी, ललन सिंह, संजय झा और आरसीपी सिंह, वकील गोपाल सिंह के साथ मिले थे। सभी विधायक, सांसद, पार्षद सबका हलफनामा सौंपा था। त्यागी जी, आप लोगों ने चुनाव आयोग में पूरी बात रखी थी, कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, पार्टी का जो नियम था कि दो बार से ज़्यादा अध्यक्ष कोई नहीं रह सकता, तो अब चुनाव आयोग ने आपकी बात मान ली है। देखिए, ये पहले दिन से ही स्पष्ट था, सभी विधायक, सभी विधान पार्षद, 16 राज्य कमेटियां, 17 ऑल इंडिया के ऑफिस बीरर, 2 के 2 राज्यसभा के, लोकसभा के एमपी, 9 में से 7 राज्यसभा के एमपी, सब ने लिखित एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा किए थे कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आस्था रखते हैं। हमारे राइवल ग्रुप की तरफ से एक भी एफिडेविट चुनाव आयोग में जमा नहीं था जिसको आधार मान करके उनके क्लेम को कंडेम करके और हमें ही असली जनता दल यू माना। हमें प्रसन्नता है कि स्वतंत्र तरीके से काम करने का अब हमको मौका मिलेगा। लेकिन एक बात है, वो लोग कह रहे थे कि अभी तो हम कागजात ढूंढ रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो अब कोई गुंजाइश बन रही है क्या फिर से कागजात कुछ आ सकते हैं, असली नकली की कहानी खत्म हो? मुझे प्रसन्नता होगी अगर वो एक भी विधायक का, एक भी विधान पार्षद का, एक भी लोकसभा सांसद का, एक को छोड़ करके एक भी राज्यसभा सांसद का एफिडेविट अगर चुनाव आयोग में जमा कराएंगे तो मैं उनकी सफलता मानूंगा। एक का। पहली लड़ाई तो आपने जीत ली है, लेकिन अब उन दोनों सांसदों को नोटिस भी जारी हुआ है राज्यसभा से कि आप पार्टी गतिविधियों के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्यों नहीं आपकी सदस्यता समाप्त की जाए, इसकी शिकायत आप लोगों ने की थी। हाँ, चूंकि दोनों ही माननीय सांसदों ने पार्टी के अनुशासन को भंग किया था। शरद यादव जी चेतावनी दिए जाने के बाद भी हमारे विरोधी, घुर विरोधी श्री लालू प्रसाद यादव जी की भ्रष्टाचार बचाओ रैली में गए थे 27 अगस्त को, और ऐसा ही आचरण श्री अली अनवर जी का था जिन्होंने श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लिया जबकि जनता दल यू उनके गठबंधन से बाहर आ चुका है। इसलिए हम उपराष्ट्रपति महोदय जो सभापति भी हैं उनको प्रतिवेदन किया है और ये मामला उनके यहाँ लंबित है। बिल्कुल, तो किसी त्यागी जी जो साफ तौर से कह रहे हैं कि कोई असली नकली की लड़ाई नहीं थी, हम तो पहले से अपनी बात कर रहे थे और उसी को चुनाव आयोग ने माना है, और अब कहीं कहीं काफी खुशी की बात है और आगे अब कहीं कहीं पार्टी के और विस्तार का रास्ता साफ होगा। इस समय दिल्ली से कैमरामैन तारा के साथ प्रभाकर कुमार।